अपने ऊपर गिनती घूम आराम से इसलिए पर क्यों मैं नहीं लगा सकती हूं हैं सारा की लगा तो नहीं किन्ने मिले ये 20 का तो बड़े क्लास रिपोर्टर है यार कैमरा तो उसका बढ़िया है वहाँ पहुँच कर देखा तो वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रैली जिसमें 100 बैग यूरिया थे जो पूछताछ पर ड्राइवर ने बताया भी ये ट्रैली यूरिया गंगोह से संदीप सैनी ने लोड किया था और यमुनानगर में जाना था जिसके बारे सीएम पलायन स्क्वाड और एग्रीकल्चर विभाग वाले कार्रवाई कर रहे हैं जैसे भी कंप्लेंट होगी कार्रवाई कर देंगे उसके बारे पता किया जाएगा कि ये कार किस पर्पज के लिए आया था और कहाँ मेरे पास सीएम फ्लाइंग से श्री दिनेश जी का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे कलानौर और मंडोली के बीच में नेशनल हाईवे जो है 344 पे उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है जो जिसमें खाद है तो सूचना मिलते ही हम वहाँ पहुँचे हमने वो ट्रैक्टर ट्रॉली में खाद देखा और वो खाद जो है वो कृषि योग्य खाद है सर क्या ये जैसे यूपी से हरियाणा में आ रहा था वो भी विदाउट बिल तो ऐसे आ सकता है नहीं ये कंट्रोल फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत एक स्टेट से दूसरी स्टेट में खाद भेजना अलाउड नहीं है तो ये अवैध रूप से ये अवैध रूप से आ रहा था तो सर ट्रॉली में कितने बैग थे सर ट्रॉली में अभी तकरीबन 100-125 बैग होने की आशंका है जा कहाँ रहा सर इसलिए ड्राइवर ने कुछ नहीं बताया इस बारे में तो सर कोई बिल वगैरह कोई ट्रैक्टर ट्रॉली के कोई कागजात कोई कागज नहीं मिले अभी तो अभी क्या कार्रवाई की जा रही सर आप अब कृषि विभाग इसका एक सैंपल लेगा और वो सैंपल लैब में भेजेगा और सीएम फ्लाइंग से जो श्री दिनेश जी हैं वो इस बारे में एफआईआर दर्ज कराएंगे